कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड से राहत मिलते दिख रही है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों के कुछ हिस्सों में बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, साथ ही धूप भी निकलेगी, बीच बीच में बादल भी दिख सकते हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल दिल्ली में तेज हवा चलने की संभावना जताई है। आज के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 27 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रह सकता है। राजस्थान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप खिलेगी। इस दौरान गर्मी भी बढ़ेगी। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक और नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 7 और 8 मार्च को देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से आसमान में बादल भी छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। सर्दी का असर तो नहीं रहेगा। वहीं तापमान की अगर बात करें तो ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। बिहार की बात की जाए तो बिहार में धीरे धीरे मौसम में बदलाव जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार के मौसम की बात करें तो मौसम शुष्क ही रहा है। वहीं अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने के साथ रात के तापमान में किसी तरह का बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। पंजाब के मौसम की बात की जाए तो पंजाब में IMD के मुताबिक एक बार फिर मौसम में परिवर्तन होगा। मौसम विभाग के अनुसार कल से 9 मार्च तक आसमान में बादल दिखेंगे। आज मार्च तेज हवा चलेगी। हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है और 7 मार्च को बारिश भी हो सकती है। राज्य के अधिकतर जिलों में आज 26 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री। जम्मू कश्मीर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश की संभावना नहीं है, कल भी बादल छाए रहे थे। 6 मार्च को फिर से मौसम करवट बदलेगा और 7 मार्च तक सामान्य से भारी बारिश या बर्फबारी कई हिस्सों में हो सकती है। इसके अलावा 9 और 10 मार्च को भी अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू में तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड बढ़ गई है। कश्मीर के श्रीनगर में आज अधिकतम तापमान 9 डिग्री और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जम्मू में अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में आज मौसम साफ रहेगा, साथ ही धूप खिलते दिखेगी। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बर्फबारी और बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल एक बार फिर बादल छाते दिखेंगे। राज्य के जिलों में अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रह सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।